हेलो एवरीवन, दिस इज पैची सिन्हा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरे आज के वीडियो में मैं वो करने वाली हूँ जो बहुत लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था। अगर आप लोगों ने मेरा ये मंडाला आर्ट देखा होगा जो मैंने नवरात्रि के टाइम बनाया था, काफी लोगों ने मुझसे ये कहा था कि इसको डेकोरेट करके फ्रेम कर दो, बहुत प्यारा लगेगा। और जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है तो उनको स्क्रीन पर यहाँ वो वीडियो दिख रहा होगा, प्लीज उसे टैप करें और जाकर वो वीडियो भी देख लें। अभी मैं आज इस वीडियो के लिए कुछ आर्टिकल्स लेकर आई थी जिसे मैं इस मंडाला आर्ट पर लगाऊंगी और कैसे डेकोरेट करती हूँ ये सब आपको दिखाऊंगी। तो चलिए, कितना मस्त लग रहा है गाइज। आजकल मार्केट में ऐसे भी आर्टिकल्स आते हैं जिसमें ऑलरेडी ग्लू होता है, तो हमें ग्लू लगाने की जरूरत नहीं पड़ती और हमारा काम और भी आसान हो जाता है। मैं मार्केट से 4-5 टाइप के अलग अलग आर्टिकल्स लेके आई थी जो मुझे अपने मंडाला के लिए सूटेबल लगा। अब यहाँ बस मुझे ये डिसाइड करना है कि कौन सा आर्टिकल कहाँ अच्छा लगेगा और बस दैट्स इट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने सारे आर्टिकल्स मोस्टली बॉर्डर डिजाइन पे ही यूज किया है क्योंकि मैंने मंडाला आर्ट पे इतनी ज्यादा मेहनत की थी, तो मैं नहीं चाहती थी मेरा डिजाइन छुप जाए। और ये देखिए मेरा जुगाड़। एक्चुअली मुझे ना सिल्वर डायमंड में आर्टिकल चाहिए था जो कि मिल ही नहीं रहा था, तो मैंने यहाँ पे डायमंड बिंदी यूज कर लिया। अब फ्रेम होने के बाद किसे पता ये क्या है। पर ये क्या, बिंदी को पेपर पे स्टिक करना बड़ा मुश्किल है यार, ये तो हो ही नहीं रहा था। तो अब मैदान में साक्षात जानवी सिन्हा खुद आई है मेरी हेल्प करने और देखिए कितनी इजीली वो ये सारे स्टिकर्स लगा रही है। वाह, टैलेंटेड लड़की। आप लोगों ने एकदम सही कहा था, मंडाला आर्ट में से डेकोरेशन करने से उसमें 4 चांद लग चुके हैं और ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर मेरा ये आर्ट अच्छा लगा हो, तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि ये कैसा लग रहा है। क्योंकि तो फिर मिलूंगी आपको अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें, खुश रहें।